अब इसकी सहायता से हम समझेंगे कि कंटूर इंटरवल क्या है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है। वो दो क्रमागत कंटूरों के बीच, जैसे ये किए कंटूर हो गया और दूसरा कंटूर एक क्रम से होना चाहिए, इन दो कंटूरों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी वो ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगी हमारी, वो होगी कंटूर इंटरवल। और जो ये ऊर्ध्वाधर दूरी होगी ये हमको देखने को कहाँ मिलेगी, ये सेक्शन में ही हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है, एक कंटूर लाइन ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटूर इंटरवल। समोच्च रेखांतर ये हो गया। क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित कोई दो बिंदुओं के बीच की, अगर एक दो क्रमागत समोच्च रेखाएं हैं तो इन पे कहीं पे भी एक बिंदु, एक दो समोच्च रेखाओं के बीच जो है वो क्षैतिज दूरी जो होगी वो होगी। तो क्षैतिज दूरी ये इधर से भी हो सकता है, यहाँ पे भी अगर दो बिंदु ले लेंगे तो ये भी, तो ये भी बिंदु हमारा क्या हो सकता है, ये भी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगा, चूँकि ये प्लान में दिखेगा हमको। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो ये जो हमारा हो गया इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, अर्थात क्षैतिज समतुल्य। ठीक, ये भी क्षैतिज समतुल्य है, अब इन दोनों की परिभाषा को हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट लेंगे कंटूर इंटरवल, अर्थात समोच्च रेखांतर। तो समोच्च रेखांतर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, जैसा हमने बताया कि दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, या इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दूरी जो हो गया वो ये ऊर्ध्वाधर दूरी, या एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, तो इन दो लेवलों के बीच का अंतर हो गया, तो या इलिवेशन डिफरेंस, ऊर्ध्वाधर दूरी या इलिवेशन डिफरेंस, इलिवेशन डिफरेंस अर्थात उत्सेध का अंतर इसको कह सकते हैं, उत्सेध का अंतर या उत्सेध अंतर। तो दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच इलिवेशन डिफरेंस, उत्सेध का अंतर कंटूर इंटरवल अर्थात समोच्च रेखांतर कहलाता है। इसके बाद हम इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो इलिवेशन डिफरेंस अर्थात उत्सेध का अंतर है इसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दो लेबल है जब हम इसको सेक्शन में देखते हैं तो इलिवेशन अर्थात सेक्शन को ही इलिवेशन कहते हैं, तो यहाँ पे इन दो लेबलों का जो डिफरेंस है, इलिवेशन डिफरेंस है, उसको भी हम कहेंगे समोच्च रेखांतर। अब ये यहाँ पे कंटूर इंटरवल जो है, एक पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि जब भी हम इसको नक्शे पर ड्रा करेंगे तो ये हमेशा समान रखा जाता है। तो यह नक्शे पर हमेशा समान रखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे कि कंटूर इंटरवल जो है वो अगर क्षेत्र हमारा कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको तय किया जाता है। तो कंटूर इंटरवल को क्षेत्र की स्थल आकृति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अर्थात क्षैतिज समतुल्य। तो इसकी भी परिभाषा सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे कि किसी दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थित क्षैतिज दूरी को क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। और जो क्षैतिज समतुल्य है उसको जमीन की ढाल कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्षैतिज समतुल्य जो है वो जमीन की ढाल कैसी है उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यह जमीन की ढाल पर निर्भर करता है। कंटूर ग्रेडियंट अर्थात समोच्च रेखीय ढाल क्या है इसको हम देखें। तो समोच्च रेखीय ढाल क्या है, अगर हमारा भूमि है, भूमि सतह है, उसमें अगर समान ढाल बना रही है कोई रेखा तो वो कहलाएगी कंटूर ग्रेडियंट। भूमि सतह पर, अब तो इसका परिभाषा जो हम लिखेंगे कि भूमि सतह पर समान ढाल बनाने वाली जो रेखा है उसको कहेंगे कंटूर ग्रेडियंट लाइन। और जो कंटूर ग्रेडियंट लाइन से जो स्लोप बनेगा उसको हम बोलेंगे कंटूर ग्रेडियंट स्लोप या कंटूर ग्रेडियंट। तो इसकी परिभाषा जो हो गई वो हो गई कि भू सतह से समान ढाल अर्थात यूनिफॉर्म स्लोप रेखा को समोच्च ढाल रेखा अर्थात कंटूर ग्रेडियंट लाइन समोच्च ढाल रेखा कहते हैं। इसी
इसमें फिर हम जोड़ेंगे कि समोच्च ढाल रेखा द्वारा बनाए गए समोच्च ढाल रेखा द्वारा बनाए गए ढाल को समोच्च रेखीय ढाल अर्थात कंटूर ग्रेडियंट देखेंगे कि इसका जो रिलेशन है वो कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो कंटूर कंटूर ग्रेडियंट इक्वल टू कंटूर इंटरवल बटे में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे जब हम किसी सड़क नहर या रेल के लिए हम कंटूर मैप पर अगर हम एक रूट का लोकेशन कर रहे होंगे या रूट का अलाइनमेंट कर रहे होंगे तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस पे इसको ध्यान देना जरूरी है। कंटूर इंटरवल अर्थात हिंदी में इसको हम लिखेंगे समोच्च रेखांतर तथा क्षैतिज संतुलित तो इसकी हम एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि समोच्च रेखांतर तथा क्षैतिज समतुल्य के अनुपात को कंटूर ग्रेडियंट कहते हैं अर्थात समोच्च रेखीय ढाल कहते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि प्रारंभिक सर्वेक्षण के अंतर्गत समोच्च ढाल रेखा पर समोच्च ढाल रेखा पर बिंदुओं को लोकेट अर्थात निर्देशित करने के लिए घाट ट्रेसर अर्थात इसको हिंदी में भी घाट ट्रेसर ही बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। अब जो घाट ट्रेसर है उसका इमेज कैसा रहेगा उसको हम देखेंगे थोड़ा।